ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगसंगितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या द्रतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततो ततो नियमेत आत्मन्नेवं वशं नये प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते। सो जीवत्व की निवृत्ति आत्मावस्थान का नाम है। जीवत्व की निवृत्ति ब्रह्मावस्थान का नाम है। जैसे कि आभूषण की निवृत्ति का नाम स्वर्ण है, इसी तरह से भगवान ने वेदांत की चरम परिभाषा दी है। योग की संज्ञा उसको दी गई जब उस साधक में से जीवत्व भाव की निवृत्ति हो गई। यह जीवत्व भाव अविद्या का परिणाम है। ऐसा कह लें कि जीवत्व और अविद्या दोनों एक ही चीज है। सरल भाषा में जीवत्व को कहा गया जिसको ऐसा लगता है कि वास्तव में मेरा जन्म हुआ है, तो वह जन्म की घटना को सच मानता है तो पक्की बात है कि वह उसका मरण भी होगा, और मरण होगा तो इसके बीच में संसरण तो होगा ही होगा, तो वह समझ ले कि मेरे अंदर जीवत्व भाव पक्का है। एक बार जीवत्व भाव पक्का हो गया तो जीवत्व भाव के बाद जिसकी उत्पत्ति है वह कर्तृत्व नहीं है, वह भोक्तृत्व है। क्योंकि यदि जीवत्व भाव जीवित है तो यह तो पक्की बात है कि वो आनंद का प्यासा है, वह अपने आप में आनंद को कम करे, वह अपने आप में आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता।
अब उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता, इसी वृत्ति को कहा गया भोक्तृत्व। नहीं कर पाता इसलिए कुछ करेगा, इसलिए कर्तृत्व है। तो कितने पैदा हो गए, जीवत्व हो गया, जीवत्व से भोक्तृत्व हो गया, भोक्तृत्व से कर्तृत्व पैदा हो गया। अच्छा, इस पूरे परिवार का जो परिणाम है वह सिर्फ एक ही परिणाम है, वह है दुख। चाहे जीवत्व होवे, चाहे भोक्तृत्व होवे, चाहे कर्तृत्व होवे, इन सभी वृत्तियों का अंततः परिणाम यही होता है कि उस साधक को दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने जीवत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, दृष्टत्व, इनकी जगह सिर्फ एक शब्द प्रयोग किया, दुख संयोग। इसी दुख संयोग से वियोग होना बनता है ना, इसी दुख के संयोग से वियोग होना, पिछली कक्षा में भी इस पर जोर दिया था, इसी दुख के संयोग से वियोग होने का साधन यदि कर्म बनता है तो कभी भी वह चीज निवृत्त नहीं हो सकती। कोई दुख को कर्म से निवृत्त करना चाहे तो कर्म के करने से तो ठीक होगा, और जैसे ही कर्म से उपरामता मिलेगी वैसे ही वह चीज फिर से आ जाएगी। इसलिए दुख से संयोग के वियोग का साधन कर्म नहीं हो सकता। दुख से संयोग के वियोग का साधन उपासना भी नहीं हो सकती। दुख से संयोग के वियोग का जो साधन है वह विद्यात शब्द से कहा गया। ज्ञान उसी चीज को निवृत्त करने में सक्षम है जो चीज पहले से नहीं होती है। मिथ्या चीज के निवृत्ति के लिए ही ज्ञान है। यदि वह वास्तव में है, यदि रज्जु पे सर्प वास्तव में दिख रहा है तो ध्यान रखना वह ज्ञान से जाने वाला नहीं है। जीवत्व भाव मिथ्या है। पता नहीं आपने इस पर कितना विचार किया होगा आप लोगों ने, जीवत्व भाव मिथ्या है। जब भी, यह ब्रह्म सूत्र का नियम है, जब भी भ्रांति होती है तो भ्रांति किसी न किसी अधिष्ठान पर होती है। हाँ जी, मतलब अधिष्ठान ना होवे ऐसा नहीं हो सकता। भ्रांति होगी तो अधिष्ठान जरूर होगा। नहीं, दो चीजें हैं, एक अधिष्ठान है एक अध्यस्त है। बिना अधिष्ठान के भ्रांति नहीं हो सकती। पहला ये सूत्र देख लीजिए, रस्सी ही ना होवे तो सर्प की भ्रांति नहीं होगी। फिर सीप ही ना होवे, हाँ, तो चांदी की भ्रांति नहीं है। रेत ही ना होवे, जल की भ्रांति नहीं। भ्रांति में यह बात तो स्पष्ट दिखती है जी कि वह किसी न किसी अधिष्ठान पर होती है। पहला तो साधक मनन करने पर प्रश्न उठा सकता है, यदि जीवत्व भाव मिथ्या है तो जीवत्व का अधिष्ठान क्या है? फिर बनता है ना, जीवत्व का अधिष्ठान ब्रह्म है। तीसरा नियम सुन लीजिए, जो अधिष्ठान होता है वह सच होता है, सदैव में ही सच होता है। रस्सी सदैव सच है, सीप सदैव सच है, और ऐसा
गुनगुनाने पर ऐसा समझ में भी आता है, मुझे तो ऐसा लगता है अधिष्ठान के सही ज्ञान न होने को ही भ्रांति कहते हैं। थोड़ा आप लोग भी मनन कीजिए। अज्ञान किसी ठोस चीज का नाम नहीं है, अज्ञान किसी ठोस चीज का नाम नहीं है, अधिष्ठान का सही ज्ञान ना होना ही अज्ञान है। रस्सी का ठीक ज्ञान ना होना अज्ञान है और इस अज्ञान ने सर्प की उत्पत्ति कर दी। सीप का सही ज्ञान ना होना अज्ञान है, इसने मारा चांदी की उत्पत्ति कर दी। रेत का सही ज्ञान न होना अज्ञान है और इसने जल की उत्पत्ति कर दी। इसी तरह से ब्रह्म का उचित प्रमाणों के जरिए से ज्ञान न होने के कारण जीवत्व नाम की चीज पैदा होती है। इसमें प्रश्न आता है कोई? ब्रह्म के सही ज्ञान न होने के कारण जीवत्व भाव पैदा होता है, और उल्टा है, अगर ब्रह्म का ठीक ठीक ज्ञान हो जावे, रस्सी का ठीक ठीक ज्ञान हो जावे, हाँ सर्प की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि ब्रह्म अधिष्ठान का ठीक ज्ञान हो जावे, हाँ आपने ये पंक्ति सुनी होगी, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का ज्ञान निवृत्त हो जाता है। इसलिए साधक को प्रमाण विचारों के जरिए से अधिष्ठान की प्रमा का निर्माण करना चाहिए। अध्यस्त के बारे में जानने से कुछ नहीं मिलेगा। सांप काला है कि लंबा है, कि फन वाला है कि धारी वाला है, कि कोबरा है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जगत की चर्चा का विषय अध्यस्त होता है। जो जगत में हम सब चर्चा करते हैं वो अध्यस्त की ही करते हैं, जो कि है नहीं। ज्ञानी व्यक्ति अध्यस्त की चर्चा नहीं करता, वो अधिष्ठान की चर्चा करता है। व्यवहार की भाषा में दिखाएं, जो सुनार होता है वो डिजाइन पे चर्चा नहीं करता, सुनार का ध्यान सोने पर होता है, डिजाइन की चर्चा जगत के लोग करते हैं। मिट्टी को ठीक जानने वाला मिट्टी पर ध्यान देता है, मिट्टी के आकारों पर नहीं। तत्वज्ञ व्यक्ति, हाँ जी, तत्वज्ञ व्यक्ति तत्व को जो जानता है, तत्वज्ञ, वह तत्व की चर्चा करता है। तत्व के ऊपर रांच रहे विविध रंग कलाकृतियां उसकी चर्चा नहीं करता। चलो और दृष्टांत से समझाते हैं। ये पंचदर्शी का दृष्टांत है। एक एक पेंटिंग लगी है कैनवास पर, कैनवास पर एक पेंटिंग लगी। महाराज इतना सुंदर चित्र है कि प्रातः काल का सूर्य उदित हो रहा है और अरुणिमा छाई हुई है, अंधेरा छटा नहीं है, प्रकाश पूरी तरीके से आया नहीं है, लालिमा और अरुणिमा छाई हुई है, वृक्ष पूरी तरीके से दिख नहीं रहे हैं, वृक्षों में हल्की सी कालिमा का दर्शन होता है, पक्षी चहचहाने को तैयार हैं, किसान खेत की ओर जाने के लिए हल लेके चल पड़ा, रास्ते में कुआं भी दिख रहा है। ये कहां चित्र है? ये कैनवास पे चित्र है। इस चित्र को उकेरिए।
आधे से ज्यादा लोग खो जाएंगे इस चित्र में, जैसे मैं वर्णन करूंगा, आधे से ज्यादा भावुक हो जाएंगे उस अरुणिमा पर, उस किसान पर, उसकी पत्नी पर, उस खेत पर, लेकिन किसी का ध्यान ये नहीं गया कि यह चित्र जिस पे उकेरे गए हैं वो कैनवास है। ये सब का जो अधिष्ठान है उसका कोई रंग नहीं था, वहाँ कोई लाल पीला नहीं था, वहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं था, वहाँ कोई जड़ चेतन नहीं था, वो तो कैनवास है। ये कैनवास पर ध्यान रंगकर्मी का जा सकता है, जिसने पेंटिंग को बनाया, वो जानता है ऊपर कुछ नहीं है, जो सच है वो कौन है। उस पेंटिंग को मिटा दो, गया वो किसान, गया वो अरुणिमा, गई वो बैल, गए वो खेत, तो बचा क्या? कैनवास। इसी तरह से इस जगत के पीछे जो एक कैनवास है वो सच है। हम लोग कौन है? ये जो हमारा जीवन चल रहा है, क्या चल रहा है? कैनवास पर उभरे हुए रंग, उभरी हुई घटनाएं जो सच सी प्रतीत हो रही हैं, लेकिन कैनवास के ज्ञान से यह जो अध्यस्त ज्ञान है यह सब निवृत्त हो जाता है। इसी तरह से अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त निवृत्त हो जाता है। ये पंक्ति ही याद रखिए तो धीरे धीरे आपको सब खुलेगा। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त निवृत्त, इसलिए साधना यह होनी चाहिए कि उचित प्रमाण, मैं बानबूझ के बोल रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं, मन के जरिए से पढ़ा हुआ विषय नहीं, इस उचित गुरु के और उचित शास्त्र के प्रमाणों के व्यापार के जरिए से प्रमा का निर्माण होए। वह प्रमाण क्या करेगी? अध्यस्त को निवृत्त कर देगी। ध्यान रखिए, प्रमाण अध्यस्त का ज्ञान नहीं कराते, प्रमाण अधिष्ठान का ज्ञान कराएंगे। ये वही चीज निवृत्त हो सकती है हाँ, जो चीज नहीं है। इस नहीं होने के लिए भगवान एक शब्द बोलते हैं, तम विद्यात्। बनता है ना, हे अर्जुन यही मेरा योग है। देखो कितनी अजीब सी परिभाषा दी, ये मेरा योग है। तुम उस आत्म तत्व को जान लो, ये दुखों का संयोग का वियोग हो जाएगा, वियोग मतलब निवृत्ति हो जाएगी। बस बस निश्चय न योक्तव्य। वहां तक पहुंचो, ध्यान रखना अधीर मत होना, अनिर्विण्ण चेतसा, कोई गलती मत कर बैठना। मानो कि वो साधक पूछता है, अभी भी गलती की गुंजाइश है? हाँ हाँ। तो ये चर्चा मैंने छोड़ी थी, एक होते हैं सूक्ष्म, एक होते हैं स्थूल विघ्न और एक होते हैं सूक्ष्म विघ्न। ध्यान में एक होते हैं स्थूल विघ्न, एक होते हैं सूक्ष्म विघ्न। स्थूल विघ्न क्या है? शीत, उष्ण, सुख, दुख, ये सब बाहर की चीजें, आसन, ये सब स्थूल है। भगवान कहते हैं अब सूक्ष्म विघ्नों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो अनिर्विण्ण चेतसा है, ऐसी कौन सी चीजें जो साधक को व्यथित कर देती हैं? इस सूत्र से 23वें से 24 को कनेक्ट करो, इसकी संगति कैसे लगाएंगे 23वें से 24 की? स्पष्ट हो रहा है? आखिर कौन सी चीज है जो साधक को व्यथित कर देती है? भगवान बोलते हैं एक तो सबसे बड़ी चीज है
वैराग्य की कमी। देखो, निर्वेद शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। ये पढ़ा आपने निर्वेद शब्द कहीं? कहाँ सुना है? हाँ, उपनिषद में कहाँ सुना? कोपि साधकः परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेद माया। ये है निर्वेद। निर्वेद मतलब वैराग्य। जिसके चित्त में वैराग्य नहीं है वह कभी भी ध्यान में नहीं बैठ सकता। और वैराग्य को क्या परिभाषित करें? मैं वो अपने एक स्वामी जी को सुन रहा था प्रलोभन, वहां एक आया कि वैराग्य की बात, तो दो वृत्तियां एक साथ थी। एक तो जुगुप्सा थी, घृणा, और एक हंतुम इच्छामि ऐसा शब्द बोला था, मार देने की इच्छा, हटा देने की इच्छा, और एक एक घृणा करने की इच्छा। मलिन दृष्टांत है, और जो पुराने संत लोग होते हैं वो ऐसा ही दृष्टांत देते हैं, तो आप थोड़ा घृणित मत होइएगा। उन्होंने वैराग्य के लिए क्या दृष्टांत दिया कि यदि किसी का पैर मल में चला जाए, सबका कभी न कभी गया ही होगा, पैर आपका किस में चला जाए? मल में। अब क्या होता है फिर? तो आपका मन क्या होता है उस समय? तो पहले हटाओ इसको यहां से, हटाओ हटाओ, मतलब कोई भी काम होगा आप सब काम धंधा छोड़ देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? मल हटाओ। तो आपने क्या किया? पानी डाला। लेकिन आपको पता है पानी डालने के बाद में भी वृत्ति क्या रहती है? उसके बाद में भी अभी लगा है, ये पकड़ में आ रही? दो वृत्तियां, एक तो घृणा की वृत्ति पैदा हुई, इसको हटाओ किसी तरीके से। बार बार उसको साफ करने के बाद में भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत चलता ही रहता है कि अभी भी क्या है, कहीं लगा है। बोलते हैं ऐसे ही चित्त में जगत के प्रति यह वृत्ति पैदा हो जावे। ओहो, जगत के प्रति यह वृत्ति पैदा हो जावे, अरे रे रे रे, मेरा मन कहां फंसा है? ए भागे, आप जानो क्या कहना चाहते हैं? मेरा मन कहाँ फंस गया भाई? अच्छा, फंस गया तो हटाओ, और हटाने के बाद में भी, इतना सब कुछ करने के बाद में भी तृप्ति का एहसास नहीं होता। अभी भी हटाओ हटाओ हटाओ, वो शांत चित्त नहीं रह पाता। जगत से जब इस प्रकार की वृत्ति मन में पैदा होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अब आपको जगत से क्या हो गया है? वैराग्य। मुझे याद है, जहां तक मैं श्रवण करता हूं, मुझे